और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए मैं प्रिय शेर का 2017 में जो आपका यूपीएसआई में आया है उसका आपका जीएस की आपके लिए जीएस का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। सो आपका मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपके आईपीसी के कितने क्वेश्चन आते हैं, सीआरपीसी के कितने क्वेश्चन आते हैं, संविधान से कितने आते हैं, साइंस से कितने आते हैं, हिस्ट्री से कितने आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ चैनल्स के द्वारा कि भाई इससे इतना आएगा, इससे इतना आएगा। आप खुद देख लो 2017 में हर सेट में सेम क्वेश्चन थे। अगर आईपीसी के दो क्वेश्चन आए हैं सेट में तो अगले में भी दो क्वेश्चन ही आया, बस वो थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो जाते थे, अलग हो जाते थे, बट क्वेश्चन वे वही है। इसमें देखो अगर हम जीएस का पोर्शन देखें तो ये देख सकते हो उपनिरीक्षक ऑनलाइन भर्ती 2017 वाला ये पेपर है। सीधा हम जीएस पे चलते हैं, ठीक है भैया। तो इसमें दो क्वेश्चन कटे हुए हैं, एक 43 वाला और भैया एक है आपका 45 वाला। कट रहा है इसमें, ऑप्शन इसमें पूरे नहीं आ रहे। दो क्वेश्चन को छोड़कर हम पूरे क्वेश्चन आपके देखेंगे। तो भैया अगर हम क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है, जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के, जो आपका सब दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण के लिए पुरस्कार होता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार होता है, के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? तो भैया 41 का आपका आंसर है ए, एमसी मेहता जी। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया। तो एक तो आ गया आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, ठीक है। एक हो गया भैया परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस विलोक से संबंधित है? तो ये 42 का आंसर है आपका डी। तो एक आ गया आपका भैया केमिस्ट्री से, ठीक है। 43वां जो आपका यह है 43वां क्वेश्चन जो इसका पीडीएफ में कट के आ रहा है ये, तो भैया ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम से संबंधित है। तो आई एम श्योर, तो इसके ऑप्शन जो कट चुके हैं ये हमारे पास में नहीं है। और इसका आपका 44वां क्वेश्चन देखें तो इससे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी, जिसका नेतृत्व डीएस डेस ने किया था। जो आपकी केंद्रीय सतर्कता आयोग है जो भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो 44 का आपका आंसर है बी, श्री के संथानम, ठीक है। और ये 44 को 45वां क्वेश्चन है, बस दो क्वेश्चन मैंने बताए थे पीडीएफ में कट के आए हैं, ये मैं आपको बाद में करा दूंगा। सो ये आपका ये तो हो नहीं पाएगा। तो अगर हम 45 को छोड़ दें, अब सब क्वेश्चन हमारे पास में ठीक लगे हुए हैं। तो अगर हम 46वां क्वेश्चन देखें तो जनहित याचिका PIL मामले पर न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक, अगर हमें दो ऑप्शन दिए हैं, एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों के हथकड़ी लगाना और बांधना अमानवीय है और मानव अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। जो हमें क्यों ऑप्शन दिया है, जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में असाधारण मामलों को छोड़कर एक बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता। अगर साधारण मामला असाधारण मामला ना हो, साधारण छोटा सा हो, तो बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता। तो 46 का अगर हम इसका आंसर देखें तो ये आपका बी है, केवल पी। क्योंकि जनहित याचिका का मतलब ये होता है कि जो जन होता है, जन का मतलब होता है एक पूरा समाज, उसके लिए जो याचिका डाली जाती है, मतलब एक का इसमें देखिए खाली बच्चों बच्चों की बात करिए, पर जो जन याचिका है ये इसमें मानव अधिकारों की बात हुई है। तो जैसे मानव अधिकार हो गया, या जो आपका समाज से जुड़े कुछ अच्छे अच्छे मुद्दे होते हैं, जैसे कुछ गलत काम हो रहा है, सरकार कुछ गलत कर रही है, तो उसमें जनहित याचिका हम डाल सकते हैं। तो ये आपका 46वें क्वेश्चन का। तो भैया ये जो पीएल है ये आपका कहाँ से क्वेश्चन आया है? ये आपका क्वेश्चन है मूल विधि का तो नहीं है ये, ना ही उसका है। ये क्वेश्चन आपका जनहित याचिका जो है इसमें एक अलग से पोर्शन है स्टैटिक जीके में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। जनहित याचिका का ये अलग से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। सूचना का ये आ गया देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्यों में को बढ़ावा देना है। 47 का आपका सी है, पी और क्यू दोनों मतलब भैया आपका पारदर्शिता और जवाबदेही। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना। तो ये आपका आरटीआई एक्ट से एक सवाल आ गया, जो आपका आरटीआई एक्ट है उससे आपका एक सवाल पूछा गया, मूल विधि का अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया। भारत में माल और सेवा कर जीएसटी की दरों का फैसला कौन करता है? तो भैया 48 का आपका जो आंसर है वो ए है, केवल पी मतलब केंद्र सरकार। ये आप इसको आप मान सकते हो इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन मान सकते हो, या फिर आप मान सकते हो आप इसका इंडियन पॉलिटी का, जो आपकी केंद्र की जो लिस्ट होती है ना विषयों की, कि भाई टैक्स पर कौन कर सकता है, जो केंद्र में टैक्स लगता है उस पर कौन कर सकता है विषय है, वैसे ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, पर आप इसको इकोनॉमिक्स का ही लो तो अच्छा है, ये इंडियन पॉलिटी का लग नहीं रहा मुझे। तो इकोनॉमिक्स से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ठीक है भैया। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य भारतीय राज्य कौन सा था? आपको सबको पता होगा, तो भैया पंजाब था आपका 49 का ए।
और ये आपका हो गया इंडियन पॉलिटी का, एक क्वेश्चन आपका इंडियन पॉलिटी का हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया, तो भैया किस दिन मनाया गया, 50 का आपका आंसर है 17 अक्टूबर 1919। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री का एक तो आया था चार्टर एक्ट से संबंधित, एक आ गया आपका मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से, दो क्वेश्चन आए हैं उसमें। केंद्र और राज्य के कानून बनाने के अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, संघ और राज्य सरकार दोनों समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती हैं, ये बिल्कुल। और यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ कानून और राज्य के कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो संघ कानून बनाया जा मान्य होगा, तो भैया ये तो दोनों सही है, ठीक है। तो भैया 51 का आपका ए है, पी और क्यू दोनों, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंडियन पॉलिटी का, ठीक है, इंडियन पॉलिटी का। तो भैया इंडियन पॉलिटी का ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब दो क्वेश्चन आपके भारत की राज्य व्यवस्था से आए हैं अभी तक। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीय को प्राप्त कानून अधिकार के बारे में सही है, मतलब किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है। कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, उस कानून को बदलकर विधायकी द्वारा और कानून अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो जो 52 का आपका इसका आंसर है यह है आपका डी, केवल क्यों, क्योंकि इसमें ये तो बिल्कुल सही है कि भाई जो विधायिका होती है आपकी वो कानून बना भी सकती है और हटा भी सकती है। तो भैया ये जो आपका है ये भी इंडियन पॉलिटी से है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी का ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। संसद सदस्य आरंभ होता है ये तो आपको पता ही है, 53 का, ये भी इंडियन पॉलिटी का चौथा क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी का चार क्वेश्चन हो गया भैया। तो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और विपक्ष के नेता के बीच एक बैठक संसद सदस्य आरंभ होती है, लोकसभा अध्यक्ष के संदेश से। और भैया ये थोड़ा सा इसमें ऑप्शन देखो ऊपर आ रहे हो क्या, ऊपर नहीं आ रहे, मतलब इसके ऑप्शन कट गए, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है ये कौन सा है, 53, तो 53 का सी आंसर है, मतलब ये इसमें दोनों सदनों के, ये थोड़ा सा कट रहा है इसमें ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा इसका, चलो छोड़ो। तो अगर हम 54वां क्वेश्चन देखें तो अभी तक इंडियन पॉलिटी के ये भी चौथा क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से ही है, ठीक है ना, ये इंडियन पॉलिटी के चार क्वेश्चन आ गए, अभी तक मूल विधि का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। चलो भैया 54 क्वेश्चन देखे तो, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए डैश 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 की रचना की गई, विशेष रूप से बारिश द्वारा सिंचित क्षेत्रों में और इसमें एकीकृत खेती, पानी के उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन सुरक्षा संरक्षण सहकारिता पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो भैया 54 का जो आपका आंसर है इसका ये है सी, ये है संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। तो ये कृषि से संबंधित है जो आपका अधिनियम है, कृषि संरक्षण अधिनियम, इसके तहत है। अगर हम 55वां क्वेश्चन देखें तो ये तो आपका करंट का आया था, ठीक है, इसको तो छोड़ो, एक करंट का सवाल है भाई, तो मतलब एक आपका करंट का सवाल पिछली बार पूछा गया था, अभी तक करंट का सिर्फ एक ही पूछा गया है। और निम्नलिखित में से कौन सा TIS भारतीय अर्थनीति संस्था के लक्ष्य हैं, तो भैया TIAS के मात्रात्मक अर्थशास्त्र पत्रिका को वित्तीय सहायता प्रदान करना, निर्यात और आयात दोनों से जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करना, भारतीय विद्वानों द्वारा भारत से जुड़ी अर्थनीति पर तैयार की गई सर्वोत्तम पुस्तकों के लिए प्रतिशत और पुरस्कार स्थापित करना। तो भैया 56 का आपका जो आंसर है यह है डी, केवल 1 और 3, मतलब 1 और 3 बिल्कुल सही है। यह है आपका इकोनॉमिक्स का दूसरा क्वेश्चन, मतलब इकोनॉमिक्स आपके दो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, इकोनॉमिक्स के दो क्वेश्चन आए हैं, याद रखना। गैलो गैल किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना था। इसका आंसर है आपका मिथु बनाम पंजाब राज्य। ये जितने एग्जामपुर हो गए और जितने भी ये बड़े बड़े चैनल हो गए ना, जोन जोन से रोना पीटना गाए रहते थे कि ये आईपीसी, हाई आईपीसी, जिन्होंने सितंबर से लेकर जनवरी फरवरी में आकर आईपीसी कंप्लीट करी और अभी पोस्को एक्ट और महिला प्रति जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम करा रहे हैं, बिल्कुल A to Z। धारा 303 में भाई साहब नोट्स देख लेना, बड़े बड़े चैनलों के, उन्होंने इस केस के बारे में तो बात ही नहीं करी, बस ये लिखवा दिया धारा 303 रद्द हो गई थी, ना ये लिखवाया किस केस पर रद्द हो गई थी, कैसे लिखवाया था, और बल्कि ऐसी जो धाराएं हैं वे इंपोर्टेंट हो जाती हैं, जैसे धारा 377 अभी हटी है, ठीक है, तो वो किस केस से हटी है, कौन सा केस चला था, किस वजह से हटी है, फलाना ढिमका, बहुत सी चीज ऐसी हैं। तो भाई धारा 303 जो रद्द हुई थी उन्होंने तो खाली ये लिखवा दिया कि रद्द होगी, अरे भैया ये लिखवाओ ना कि कौन सा केस चला था, किस वजह से मिथु बनाम पंजाब राज्य था या कौन सा था। तो भैया यही तो होती है पढ़ाई। अब मैंने आज धारा 334 में, आज जो धारा 34 पढ़ाई है मैंने,
उसमें मैंने 4 से 5 केस पढ़ा दिए। तो बच्चे ये कह रहे हैं तुम इतने जो वाद है इतने क्यों पढ़ा रहे हो, और बल्कि मैं जो करवा रहा हूँ 6 स्टेट के SI के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर में 1997 से लेकर 2020 तक के वे करा रहा हूँ, और धारा 1 कराई, धारा 2 करवाई, फिर मैंने कौन सी धारा करवाई, धारा 24 कराई, फिर धारा 34 करवाई, फिर धारा 53 करवाई, और फिर 70, 72, 73 इस टाइप में, मतलब 70+ पे चला गया। तो कह रहे हैं बच्चे कि इतने जल्दी तुम इतने ऊपर क्यों जा रहे हो। भैया प्रीवियस ईयर में बीच में से जब कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया तो मैं कैसे कराऊंगा। जो लोग तुम्हें करा रहे हैं 1 से लेकर 500 की 511 धाराएं, उनसे जाके पूछो। IPC का सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन से ज्यादा बिल्कुल नहीं आएगा, जिसके ऊपर तुमने पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी लगा दिया। समझ रहे हो ना, तुम्हारा तो जिस दिन पेपर में बैठोगे जब पता चलेगा। खैर छोड़ो, तो भैया ये है आपका मिथु बनाम पंजाब राज्य। अब देखो तो भैया IPC का आ गया आपका अभी तक 1 क्वेश्चन, ठीक है भैया, IPC का 1 क्वेश्चन आया है अभी तक। तो आगे चले, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। कोई यातायात चिन्ह होगा, ये इसमें नहीं दिखाया गया, ऑनलाइन में था, ऑनलाइन में एक यातायात चिन्ह दिखा रखा होगा, तो ये स्टैटिक जीके का है, सीधी सीधी सी बात है, स्टैटिक जीके होता है यातायात चिन्ह। खैर चलो आगे चले, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है। तो 59 का जो आपका आंसर है ये सी है, दक्खन का पठार, ये तो आपको पता ही होगा। ये आगे भैया ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का अभी तक 1 क्वेश्चन आया है। इनमें से किसका सही ढंग से मिलान किया गया है। तो भैया 60 का सीधा सीधी सी बात है, एक है ग्राम पंचायत, गांव स्तर, पंचायती समिति ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद जिला स्तर पर। तो भैया इंडियन पॉलिटी का चौथा क्वेश्चन है ये, इंडियन पॉलिटी का, भारत की राज्य व्यवस्था का चौथा क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है ना, पढ़ते रहो तुम IPC पूरी जिंदगी। यदि कभी यह सवाल उठता है कि कोई विधायक धन विधायक है या नहीं है, तो निर्णय अंतिम किसका होगा। तो भैया ये नीचे इसके ऑप्शन कट गए, तो इंडियन पॉलिटी का आपका ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी आपका इंडियन पॉलिटी से 5वां क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन कट गए तो मैं इसका नहीं बता सकता। 61 का ए है, वैसे लोकसभा के अध्यक्ष ही इसके जो है निर्णय लेते हैं, पर ये पूरा लोकसभा का अध्यक्ष ही है ना, हाँ यही है। तो जो भैया लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही इसमें निर्णय लेते हैं कि भाई ये विधायक धन विधायक है या नहीं है, ठीक है। चलो 62वां क्वेश्चन देखे, तो भैया इंडियन पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आ गए, IPC का अभी तक एक आया। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भैया 62 का है आपका एक, माउंट डरे इरे पास। तो ज्योग्राफी का आपका 2रा क्वेश्चन ये आपका आ गया, ठीक है, ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन थे। भारत में कार्बन टैक्स की मौजूदा दर क्या है, जो आपका कार्बन टैक्स है। तो 63 का आपका ये 400 प्रति टन। तो भैया ये आपका आ गया, ये है इसका क्या है, ये इन्वायरमेंट से, ये है आपका इन्वायरमेंट से 1 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट का 1 क्वेश्चन यहाँ से आ गया। भारत में मत देने के लिए विधेयक उम्र क्या है, भैया पता ही है, 18 साल, 18 साल के होगे जब ही तो मत दोगे, ठीक है। तो भैया ये है 18 साल, और ये इंडियन पॉलिटी का कौन सा क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी का 6ा क्वेश्चन है। IPC का भी एक ही क्वेश्चन आया है, इंडियन पॉलिटी का 6ा क्वेश्चन, 18 वर्ष पे दे सकते हो। मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो भैया 65 का तो खैर हर किसी को पता होगा, विटामिन सी। तो बायोलॉजी का आपका 1 क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पर्यवेक्षण संचालन करता है। ये तो सभी को पता होगा, भारत का चुनाव आयोग। तो भैया ये आ गया इंडियन पॉलिटी का कौन सा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे चलो, कौन सा व्यक्ति संकृत ज्वार हाइब्रिड सोरगम के पिता के रूप में प्रसिद्ध है। बायोलॉजी का 67 का सी, नीलम राजू गंगा प्रसाद राव, ठीक है। तो ये आपका 2 आ गया। चलो भैया, और ये निम्नलिखित में से अगर 68वां देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशिष्ट जैसे कि संविधान द्वारा मान्य है, या दूसरा ऑप्शन है 2011 की गणना के अनुसार देश के सभी राज्यों में से पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो भैया 68 का है आपका बी, ना तो पी ना ही क्यू, यह आ गया आपका जनसंख्या से, जनसंख्या भी इसमें एक तरह से आपको जो है जो सिलेबस है आपको जनसंख्या के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, जनसंख्या का 1 क्वेश्चन आया भैया, ठीक है। और 69 वाले देखे, तो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। तो यह 69 का है आपका सी, कार्बन संयोजन।
ऑफसेट। 17वां देखें तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन आईओसीडी के विदेश के मुताबिक न्यूनतम स्वामित्व रखने के लिए आवश्यक निवेश का न्यूनतम कितना प्रतिशत क्या है? तो 70 का आपका जो आंसर है यह है आपका सी, 10%। इकोनॉमिक्स का तीसरा क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का तीसरा ही क्वेश्चन है शायद ये। हाँ, 71वां देखें तो डैश 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 को 7 से 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के सर्वोच्च संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में परिभाषा किया गया था। तो 71 का है आपका बी, पेरिस सिद्धांत। यह आपका ह्यूमन राइट से संबंधित, ह्यूमन राइट भी है ना आपका, ह्यूमन राइट। तो भैया एक क्वेश्चन आया ह्यूमन राइट से, अभी तक आईपीसी का एक ही क्वेश्चन आया है। सो लेट्स, तो भैया ये रह गया आपके 7 क्वेश्चन। अब देखते हैं 7 क्वेश्चन में क्या क्या आता है। अच्छा ये कहाँ चला गया, चलो कट रहा है ना ये कट रहा है क्वेश्चन। अबे यार क्या दिखा रहा है ये, यहाँ से दिखा देता है कट जाता है। चलो भैया एक क्वेश्चन और कट गया आपका, ये भी आपका इंडियन पॉलिटी से था। इंडियन पॉलिटी का कौन सा क्वेश्चन है ये, इंडियन पॉलिटी का 7वां क्वेश्चन है ये, इंडियन पॉलिटी का 7वां क्वेश्चन है, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स से आए आपके 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर 73वां क्वेश्चन देखें तो एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकते हैं उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो भैया 73 का जो आपका आंसर है यह है आपका ए, एकाधिक वंशागति। किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए उपयोगिता को करने होंगे, तो यह है आपका 74 का ए, एक डिजिटल हस्ताक्षर। यह है आपका आईटी एक्ट से संबंधित, आईटी एक्ट जो आपका 2000 वाला था ये उससे संबंधित है। आईटी एक्ट का एक क्वेश्चन आया है, आईपीसी का भी एक ही क्वेश्चन है, और कोई आया ही नहीं। खैर छोड़ो, 75 वित्तीय वर्ष 2000 ये तो करंट का था। और ये भैया रेड फ्लैग नाम का संयुक्त वायुसेना अभ्यास भारत और इतने किस में हुआ, ये तो ये उससे आया है जो आपकी वॉर एक्सरसाइज होती है। तो 76 का आपका सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये स्टैटिक होता है, स्टैटिक प्लस करंट, क्योंकि स्टैटिक तो क्योंकि इनके पहले ही नाम रहते हैं जितने भी इनके सेनाभ्यास होते हैं, बट जो लेटेस्ट में होता है वही आपका पूर्ण रूप से क्वेश्चन आने के चांस उसके ज्यादा रहते हैं। तो इसको आप करंट मान लो, करंट के 2 क्वेश्चन। ठीक है भैया, वर्तमान में भारत के सभी बम संबंधित, भारत वह सभी बम संबंधित पहलुओं के लिए डेडस एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है, ये कौन सा है? 77 का ए, राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र। और ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है भैया, 78 का देखे तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? 78 का है आपका बाद रायण, ये भी आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है भैया, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार अगर किसी ने मेरी आज क्लास देखी होगी तो वो कर देगा, के लिए अधिकतम महीने तक के लिए कितने की कैदा? बताओ, मैंने आज ही पढ़ाया था ये क्वेश्चन भैया, 2 वर्ष की, क्योंकि ये जो जुर्माना है ये 40 रुपये का, मतलब 50 रुपये से कम का जुर्माना है। अगर मैंने आज दिन में भी कराया था ये वाला क्वेश्चन, अगर 50 रुपये से कम का जुर्माना है तो भैया 2 माह की, 100 रुपये से कम का जुर्माना है 50-100 के बीच में तो 4 माह की, और 100 से अधिक जुर्माना है तो भैया 6 माह की सजा। अब बताओ, जिसने मेरी सुबह क्लास पढ़ी ये क्वेश्चन था नहीं था, तो आईपीसी के 2 क्वेश्चन है भैया, आईपीसी के 2 क्वेश्चन है। और जहां तक अब तक मैंने कल और आज में जितना पढ़ाया है ना, उसमें से ये क्वेश्चन फंस गया। क्यों फंस गया? इसलिए फंस गया, इसलिए फंस गया क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर में आते हैं ना, 1997 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब घूम फिर के भी आते हैं। ठीक है ना, किसी पर विश्वास कर ले करो, ठीक है ना। और किसी को ना यकीन आ रहा हो आज की वीडियो देख लो, और धारा छोड़ छोड़ कर पढ़ाई, ये ना कि पहली पढ़ा दी, दूसरी पढ़ा दी, तीसरी पढ़ा दी, चौथी पढ़ा दी, पांचवी पढ़ा दी, मुश्किल से 4 से 5 धारा कराई, और 4 से 5 धारा में से एक क्वेश्चन तो तुम्हें प्रीवियस ईयर में देखने को मिल गया। और ये आज का नहीं था, ये मैंने इस क्वेश्चन में बताया भी था कि ये बिहार एसआई में भी आया है, झारखंड एसआई में भी आया है, एमपीएसआई में भी आया है, यूकेएसआई में भी आया है। खैर छोड़ो, तुम तो उनकी पूजा पूजा करोगे जो बड़े बड़े हैं। खैर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो भैया 80 का है ए, मतलब प्योर क्यू दोनों। तो ये आपके देखो, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था इसका, इंडियन पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का कौन सा क्वेश्चन था ये, इंडियन पॉलिटी का 8वां क्वेश्चन था शायद। तो तकरीबन तकरीबन देखोगे ना भाई साहब,
तकरीबन तकरीबन तुम देखोगे तो जो मैंने पढ़ाया आज, देखो जो आज ही पढ़ाया और आज ही एक क्वेश्चन आ गया आपको, तो इंडियन पॉलिटी से कम आप 7 से 8 क्वेश्चन एक्सेप्ट करो। जो आपकी आईपीसी है, मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। सीआरपीसी का आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, आरटीआई एक्ट से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला, आरटीआई एक्ट से भी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, ह्यूमन राइट से जो आपका ह्यूमन राइट कमीशन है उसका एक क्वेश्चन देखने को मिला, और भैया स्टैटिक जीके के कम 6 से 7 क्वेश्चन थे, और भाई बायोलॉजी से आपके 2 क्वेश्चन थे, फिजिक्स से आपका एक क्वेश्चन था, और भैया केमिस्ट्री से आपके 2 क्वेश्चन थे। तो भाई इसीलिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, जिन लोगों की तुम पूजा करते हो ना वे सुबह से शाम तक, जिन्होंने 4 महीने आईपीसी आईपीसी पढ़ाने में लगा दिए और अब भी पोस्को एक्ट पढ़ा रहे हैं बाबूजी, पोस्को एक्ट। पोस्को एक्ट से एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन भी पता क्या पूछ लेगा वो, या तो वो पूछ लेगा किस दिन को ये लागू हुआ था, या ये पूछ लेगा किस दिन को उसको राष्ट्रपति ने सम्मति दी थी। वो पढ़ाया जा रहा है पूरा का पूरा। तुम्हारा ऐसा कल्याण होगा, ऐसा कल्याण होगा, जब पेपर में बैठोगे ना तो भाई गाली दोगे, छोड़ो चलो हमें क्या मतलब। तो बस मैं तो इतना ही कह रहा हूँ भाई, जो पढ़ रहे हैं मुझसे तुम देख लो कैसे पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना मेरे से कोई बात नहीं, किसी और से पढ़ लो। बस मेरा कहने का मतलब ये है, आईपीसी सीआरपीसी जिसमें तुम इनमें टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, ये इतना है ना जितना तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, बात रख लो दिमाग में अपने। आज मैंने 4 धाराएं करी, 4 में से 1 क्वेश्चन फंस गया फिर, और दूसरा क्वेश्चन, और जिस तरह से मैंने पढ़ाया था उस तरह से ही फंसा, ठीक है ना। उसने तो बस ये लिखवा रखा, तुम चाहे उसके नोट्स देख लेना, एग्जाम पूर्व के नोट्स देख लेना तुम, उसने तो बस ये लिखवा रखा कि अगर जुर्माना ना दोगे तो इतने दिन की सजा। बस उसने ना 50 रुपये वाला लिखवाया, ना 100 रुपये वाला लिखवाया, और ना भैया 100 से अधिक वाले का जुर्माना लिखवाया। खैर छोड़ो, तो बस मेरा कहने का मतलब यही है, अंधभक्त मत बनो भैया, देख लो आईपीसी के 2 क्वेश्चन है। केस स्टडी, केस स्टडी पर थोड़ा ध्यान रखो, वो तो मैं करा ही रहा हूँ, केस स्टडी सब कुछ वगैरह वगैरह, तुम्हारी इच्छा, कुछ भी करो तुम्हारा फ्यूचर, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, जैसा कह रहा हूँ कर लो, अग्गे भैया आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।